जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई 12 जून तक टाल दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हम फाइलें नहीं पढ़ेंगे तो मीडिया रिपोर्ट्स हमें प्रभावित कर सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हिमाचल को दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के लिए कहा था। हालांकि आपने कहा कि यह पानी हरियाणा ने रोक दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी देने का निर्देश के लिए 31 मई को याचिका लगाई थी। इस पर जस्टिस पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने 6 जून को कहा था कि हिमाचल को एक्स्ट्रा पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वह अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी 7 जून से दिल्ली के लिए छोड़े जाने के लिए कोर्ट ने कहा था। वहीं कोर्ट ने कहा था कि जब यह 137 क्यूसेक पानी हिमाचल द्वारा हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा जाए तो हरियाणा सरकार वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करे ताकि बिना बाधा के दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके। उधर सुनवाई से पहले आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हरियाणा सरकार ने नहीं किया है। वहीं हिमाचल से जो 137 क्यूसेक पानी आना था वो हरियाणा सरकार ने नहीं आने दिया है। इस एक्स्ट्रा पानी के हरियाणा को नियमित रूप से 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ना होता है, लेकिन हरियाणा उसमें से भी 200 क्यूसेक पानी कम दे रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हम ये मामले को उठाएंगे।